हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सचिवालय सहायक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आई होप कि फ्रेंड्स, इससे पहले के आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करिए और हो सके तो नोट डाउन जरूर करके रखें ताकि लास्ट टाइम में आपको रिविजन्स करने में काफ़ी ये हेल्प करेगा। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, 50 MCQ देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 9वें मंडल में। 9वें मंडल में ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल है, ये याद रखिएगा। और इस वेद के जो ऋचाएँ होती है, यानी इनको जो पढ़ने वाले जो मंत्र जो है, ऋचाओं को मंत्र कहते हैं, तो मंत्र को पढ़ने वाले जो होते हैं उन्हें हम लोग होत्री कहते हैं। होत्री के नाम से जाना जाता है, होत्री, ये ध्यान रखिएगा, होत्री, ठीक है। इस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ये याद रखना है ऋग्वेद से। चलिए अगला क्वेश्चन, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है? संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती है, तो यहाँ पे कृषि पर जो आयकर लगता है वो राज्य के द्वारा होता है, राज्य सरकार के द्वारा, ना कि संघ सरकार के द्वारा, तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारत के योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? योजना आयोग के संबंध में, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन अब इसका जो नया नाम है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 कथन दिए गए। जैसे योजना आयोग का संविधान में कोई लेख नहीं है, बिल्कुल सही, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके सदस्य और उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये भी सही है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता भी नहीं है, ये भी सही है। यहाँ पे राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि सभी के सभी कथन करेक्ट है। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अनअकैडमी की तरफ से एक टेस्टाथन स्टार्ट किया गया जो कि एसएससी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स और रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी सीएचएसएल हुआ, सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीपीयू हुआ, और साथ ही साथ अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है एक टेस्टाथन जिसमें आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी। सेशनल टेस्ट सीरीज दिया गया, अनलिमिटेड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टेस्टाथन में ज्वाइन होते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो कह सकते हैं फ्रेंड्स, एक तरह के आप बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं इस टेस्टाथन के थ्रू। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को क्लिक करिए, आप वहां पे जा करके चेकआउट कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स बहुत सारे टेस्ट उसमें दी गई है। देखिए, उसमें आपको एक तो अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिया गया जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए, एसएससी के सारे कैटेगरीज नॉन टेक्निकल वाले और रेलवे एग्जाम्स के लिए सारे कैटेगरीज उसमें अवेलेबल है, राइट। और अगर हम बात करें तो इसमें सेशनल टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कोर्सेज लेना है तो आप हमारे कोड को यूज़ कर सकते हैं, OSZ10 के कोड के थ्रू आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन है, यानी कि बंदरगाह है, जिसे देश का पहला कॉरपोरेटर पतन का दर्जा दिया गया। कॉरपोरेटर बंदरगाह का दर्जा मिला, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एनोर। एनोर बंदरगाह जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये करीब पड़ता है चेन्नई बंदरगाह से कुछ किलोमीटर दूर, करीब से 20 से 25 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है, कोरोमंडल तट पर, ये ध्यान रखें, कोरोमंडल तट पर। और ये एनोर जो बंदरगाह है, यानी एनोर जो पतन है, भारत का 12वां सबसे बड़ा है। ये प्रश्न बनता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों की गद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम कौन सा? तो उत्तर मुगल काल जब स्टार्ट हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जो कि 1707 के बाद से माना जाता है, तो उसमें सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, जो कि मुअज्जम था, औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र मुअज्जम, वो गद्दी पर बैठा बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 से 1712 तक। उसके बाद जहानदार शाह आया था, जहानदार शाह करीब 1712 से 1713, करीब लगभग एक साल, और 1713 से 1719 तक फर्रुखसियर था, ये तीसरा क्रम हुआ। और उसके बाद हम रख सकते हैं किसको, तो उसके बाद था मुहम्मद शाह, मुहम्मद शाह जो कि 1719 से लेकर के 48 तक था, 49 तक 48 तक इसके आसपास, तो 48 तक ही करीब था, 48 तक, तो ये याद रखिएगा। लेकिन उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आया, अहमद शाह के बाद ये आया था आलमगीर द्वितीय,
आलमगीर द्वितीय। यानी अगर हम कुल मिलाकर क्रम देखें तो ये बिल्कुल सही है, 1 2 3 4। 1 2 3 4 कहाँ पे मिल रहा है, जो कि ऑप्शन सी में। तो 1 2 3 4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको बहुत जल्द इसका एक छोटा सा ट्रिक लाने वाला हूँ। उत्तर मुगल काल के जो समंत जैसे राजा थे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बहादुर शाह प्रथम, जहानदार शाह, उसके बाद फर्रुख सियर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, और साथ ही साथ अकबर द्वितीय के बाद लास्ट में बने थे बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनका क्रम था, और बहुत जल्द हम आपको ट्रिक के माध्यम से इसको याद करा देंगे। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैंने बना लिया है, बस आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है। तो सही आंसर शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हाथीगुम्फा विलेख में किस शासक का वर्णन किया गया, हाथीगुम्फा विलेख में किस शासक का वर्णन किया गया, तो इसका संबंध होता है कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। अगर आपने हमारी उस एंशिएंट हिस्ट्री को नहीं देखा, एंशिएंट हिस्ट्री का जो मैंने एक मास्टर वीडियो बनाया लूसेंट सब्जेक्टिव बुक का, उसको देख लीजिएगा। वहाँ से आपका एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री बनाया, मेडिवल हिस्ट्री बनाया, और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री को भी मैंने कवर कर दिया। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की, जो लोग नहीं देखे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध निकालने में भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है, और वो है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि लीवर और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, लीवर और मसल्स जो हैं उसमें ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ग्लाइकोजेन के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासक जहानदार शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि जहानदार शाह ने जुल्फिकार खां थे उनकी सहायता से गद्दी प्राप्त की थी, उसके समय में जजिया कर समाप्त किया गया था, इसी के शासनकाल में आमेर के जो शासक थे जय सिंह, इन्हीं को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी गई थी। तो ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए अक्सर पूछा जाता है कि राजा जो जय सिंह थे इनको स्वाई राजा जय सिंह की जो पदवी मिली थी, यानी कि आमेर के जो शासक जय सिंह थे इनको मिर्जा राजा स्वाई की पदवी किसके समय मिली थी, तो जहानदार शाह के समय में, ये याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में इजारेदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इजारेदार किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगान वसूलने वाले जो ठेकेदार होते थे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए ये मैजिक होता है, जो लोग फर्स्ट वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को करीब जितने लोग देखेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो और उसके नेक्स्ट वीडियो के बाद देखिए रिस्यू कितना कम हो जाता है। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन ये डेफिनेटली होगा ही होगा। आप लोग खुद से देख लीजिएगा पहले वीडियो की व्यू और उसके बाद तीसरे चौथे वीडियो की व्यू देखिएगा। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। अगर मेरे में कोई कमी हो तो यार बता देना कि ये कमी है, आप इसको सुधार लीजिए, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो सदाकत आश्रम के संबंध में यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि सदाकत आश्रम की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, पटना में मौलाना मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी, याद रखिएगा। और जो सदाकत है वो एक प्रकार का कौन सा भाषा है, तो अरबी शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा का एक शब्द है, ये याद रखिएगा, सदाकत, जिसका अर्थ क्या होता है, सत्य और आश्रम, सत्य और आश्रम। और राजेंद्र प्रसाद जो थे इन्होंने अपना अंतिम सांस इसी में जो कि लिया था 1963 में, ठीक है। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इसे बस याद रखिए, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नचारी राग और लग्नी राग का सृजन किसने किया था, इसका सृजन कवि विद्यापति को हम लोग कोकिला के नाम से भी जानते हैं, कोकिला कहा जाता है, तो बस याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि एकमात्र समुद्री सजीव छिपकली कौन सी, एकमात्र सजीव छिपकली, समुद्री सजीव छिपकली, तो राइट आंसर होता है एम्बिल राइनकस ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और हेलोडर्मा जो एक प्रकार की जहरीली छिपकली होती है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे अर्धगंगा भी कहा जाता है, अर्धगंगा के नाम से किसे जानते हैं, अर्धगंगा के नाम से हम लोग गोदावरी को जानते हैं। गोदावरी के संबंध में कुछ पॉइंट्स, जैसे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम जो पहाड़ी है वहाँ से होता है। इसकी सहायक नदी अक्सर पूछा जाता है, इसकी सहायक नदी को याद रखिए, पर्णहिता, मंजिरा, इंद्रावती, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो गोदावरी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ये मानी जाती है।
और ये जो होता है महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरते हुए ये जाकर के बंगाल के खाड़ी में गिरता है। तो बस इतना काफ़ी है, इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन कि अपने पर्यावरण के संबंध में जीवों के अध्ययन को कहा जाता है, अपने पर्यावरण के संबंध में जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन कि किस चीज़ की उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दबाव के तहत भी असंतुलित रहता है, किसके कारण? तो कोशिकाओं में तरल, कोशिकाओं में तरल के कारण, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि हमारे शरीर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, ज़्यादा होता है या फिर कम होता है? तो हमारे शरीर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से भी ज़्यादा होता है, ये याद रखना है, ठीक है, यानी रक्त दाब की बात की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन जो कि 1918 में स्थापना की थी, किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। पादपों की कोशिका भित्ति जो सेल वाल होता है किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति सेल वाल किसकी बनी होती है? तो ये बना होता है सेल्यूलोज की, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब तक मैं इसको बहुत ही ज़्यादा बार बता चुका हूँ, मुझे नहीं लगता है कि करीब 10 बार से कम हुआ होगा, बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? तो देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, NIAM के नाम से जाना जाता है। ये पड़ता है आपका जयपुर में, जयपुर, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या? भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन करना, ये सभी के सभी इसका जो कि उद्देश्य है, यानी डी बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, जिसे हम लोग नाहवा सुहा के नाम से भी जानते हैं, ये आपका नवी मुंबई में पड़ता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। भारत को किस नकदी फसल से निर्यात के जरिए अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? चाय, चाय बिल्कुल सही आंसर है। चाय के उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? तो असम, ही याद रखना, असम पूछा गया था ना इस हाल ही में। कौन सा कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन के मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना? तो देखिए कुछ क्वेश्चंस करंट के भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट को भी हम लेकर के चलेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, क्योंकि ESI मेंस में करंट डाला गया था, तो डेफिनेटली हम लोग ये लेकर के चलेंगे कि ESI मेंस में भी करंट को डाला जाए, क्योंकि हमें कहीं किसी तरह से चूक नहीं करना है, हर तरह से रेडी रहना है। तो यहाँ पे बारबाडोस बिल्कुल सही हुआ, बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन, ये याद रखिएगा ब्रिजटाउन। जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम आपको लेकर के चलेंगे, उतना बताएंगे। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? बाहर से थोड़ा जो नॉइस आ रहा है उसको आप इग्नोर करिएगा। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ये पुणे में पड़ता है, पुणे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, पुणे। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? जो ऊपर हम लोगों ने देखा था कोकिला के नाम से जाना था, कोकिल भी कहा जाता है, कोकिल या फिर कोकिला कहा जाता है, ऐसे थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रख्यात कवि जो विद्यापति हैं कहाँ के निवासी थे? मिथिला के, मिथिला, ऑप्शन सी। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उनमें से एक जो था चीन था, तो दूसरा कौन सा था? यानी जो अफीम युद्ध है वो चीन और ब्रिटेन के साथ लड़ा गया था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे ही समझ लीजिए, अफीम युद्ध दो बार लड़ा गया, दो बार। पहला जो अफीम युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 1839 से 42 तक चीन और ब्रिटेन, ठीक है। सेकेंड टाइम जो लड़ा गया वो था आपका 1856 से 60, ठीक है, जिसे हम लोग तीर युद्ध के नाम से जानते हैं, या दूसरा हुआ था तीर युद्ध के नाम से, या फिर इसको एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या हुआ था कि ब्रिटेन और फ्रांस एक तरफ थे और चीन के खिलाफ लड़े थे, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा चीन के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था सेकेंड वाला, लेकिन फर्स्ट में ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1839 से 42 और 1856 से 1860, तो ये दो डेट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी यदि कुल व्यय समान रहता है तो मांग की लोच कैसी होगी? मांग की लोच कैसी होगी? तो मांग की लोच लोचदार होता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यूक्रेन। अब बात आती है यहाँ पे SCO यानी संघाई सहयोग संगठन, तो इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी, डेट याद रखिए 15 जून, ठीक है, 15 जून 2021 की स्थापना की गई थी, कहाँ पे? संघाई में ही किया गया था।
और SCO का जो चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया वो 2002 में किया गया, जबकि ये लागू हुआ 2003 में। तो ये लगातार डेट आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है। तो संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान जो देश हैं, टोटल 8 देश हैं, उनका नाम क्या? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ताजिकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये हो गया आपका 8 देश। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा इसको क्षेत्रीय संगठन माना जाता है, संघाई सहयोग संगठन को। और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं होती है कौन कौन सी होती है, तो एक तो आपका रूसी होता है, दूसरा आपका चीनी। रूसी और चीनी दो इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट वन ये कह रहा है, किसी वस्तु की नकारात्मक आय लोच दर्शाती है, आय में कमी होने पर वस्तु की क्रय किए जाने की जो मात्रा क्या होगी? तो इसकी जो मात्रा होगी वो बढ़ेगी, ऑप्शन बी बढ़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? भारत भी एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी सहअस्तित्व होना, ऑप्शन ए। योजना में कोर सेक्टर का अर्थ क्या होता है? कोर सेक्टर की संख्या टोटल कितनी है? कोर सेक्टर की संख्या टोटल 8 होता है। देखिए कोर सेक्टर हम उसे कहते हैं, कोर सेक्टर वह उद्योग होता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्योग होते हैं, मुख्य उद्योग होते हैं, और अर्थव्यवस्था में उनका हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस तरह से हमारे भारत में टोटल 8 कोर सेक्टर माने जाते हैं, जिनको चयनित आधारभूत उद्योग कहते हैं, कोर सेक्टर के अंतर्गत, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार हिंदू धर्म क्या है? गांधी जी के अनुसार हिंदू धर्म क्या है? इनके अनुसार हिंदू धर्म सब धर्म का एक दूसरे के साथ शांति से रहे, यानी ऑप्शन ए। 1926 में किस स्थान पर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास में स्वामी श्रद्धानंद की मुसलमानों के द्वारा हत्या कर दी गई थी? कहाँ पर? तो 22 दिसंबर 1926 की ये बात है। कहाँ पे? तो दिल्ली में। दिल्ली में किसके द्वारा? तो अब्दुल रशीद नामक एक उन्मादी कह सकते हैं, उन्मादी के द्वारा इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बुशमैन जो है जनजाति, अमेजन बेसी बिल्कुल सही है, और एक्सिमो ग्रीनलैंड, सिमांग मलेशिया, ये भी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के सभी सही है, कोई गलत नहीं है। काली मिट्टी समानता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है कहाँ पे? तो काली मिट्टी समानता उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती, क्योंकि काली मिट्टी पश्चिमी भारत के साथ साथ लगभग ये थोड़ा सा नीचे भी होता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिलता है। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर के नाम से भी जानते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे हम लोग चर्नोजम के नाम से भी जानते हैं, चर्नेजम या फिर चर्नोजम कहा जाता है, तो याद रखना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, बांध और नदियों के संबंध में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर, यानी फर्स्ट का फोर कहाँ पे मिल रहा है? फर्स्ट का फोर तो सभी जगह पे मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन क्या है कि टिहरी डैम, टिहरी डैम भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया, तो सी का सेकंड के साथ। सी का सेकंड कहाँ पे मिल रहा है? देखिए ए का फोर सी का सेकंड यहाँ पर भी है, ए का फोर सी का सेकंड यहाँ पर भी है, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जब मैंने आपको ये बताया था क्या स्टैटिक जीके का, जो मैंने एक वीडियो डाला है जो भी 3 घंटे का, अगर आपने उसको नहीं देखा तो भी देख लीजिएगा। तो पीवी बराबर, मैंने एक छोटा सा तरीका बताया था कि पीवी बराबर एनआरटी याद रखिए, क्योंकि ये एक समीकरण होता है गैस, आदर्श गैस का समीकरण, ठीक है। तो पोंग बांध जो होता है वो व्यास नदी पर होता है, पोंग बांध जो होता है वो व्यास नदी पर होता है, यानी पी का फर्स्ट, सॉरी बी का फर्स्ट होगा। तो बी का फर्स्ट यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पर है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो इसको समझ लीजिए कि पीवी बराबर एनआरटी, एन तो आपका इसको हटाइए साइड में क्योंकि मान लेते हैं कॉन्स्टेंट है, तो आर का मतलब रावी जो डैम है, रावी नदी पर थीन डैम है, रावी नदी पर थीन डैम है, टी से थीम। तो इस तरह से याद रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी, मैं बस थोड़ा सा गाइड करता हूँ, याद रखने का तरीका बता देता हूँ, बाकी जो भी आपको अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन है कि मुदुमलाई जो पशु विहार है किस लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में पड़ता है, किस कारण से ये प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका बाघ के लिए टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन ए। किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ पे होता है? किसी आवेशी चालक का संपूर्ण जो आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन बी बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल करके कुशाभाऊ ठाकरे किया? मिंटो हॉल का नाम बदल करके हाल ही में
कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में विकसित करने की प्रस्ताव है? दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर विकसित करने का जो प्रस्ताव है वो दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर आधुनिकरण योजना शुरू किया? फ्यूचर सोल्जर आधुनिकरण योजना को शुरू किया किसने? तो ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन डी। किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी'ओर अवार्ड 2021 को जीता है? बैलन डी'ओर अवार्ड 2021 को जीता है किसने? लियोनल मेसी, लियोनल मेसी। अच्छा, मेसी संबंध मैंने क्वेश्चन सभी कल से या परसों बताया था क्या होता है, क्या ट्रिक हम लोगों ने देखा था। जो मेसोफाइट होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय वाली जो वनस्पति होती है उसे कहते हैं, यही ट्रिक था ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत का कौन सा पहला प्रमाणिक जैविक फल लॉन्च किया? तो उसका नाम क्या है? कीवी, कीवी ऑप्शन सी, कीवी को टिक करेंगे। वाल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है? वाल्ट डिज्नी किसने, किसको लॉन्च किया? 98 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष नियुक्त किया, सुजन अर्नोल्ड, सुजन अर्नोल्ड ऑप्शन डी। राग मियाँ के मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? मियाँ के मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो ये हो जाएंगे तानसेन। तानसेन का जो वास्तविक नाम था क्या है? उनका वास्तविक नाम राम तनु पांडे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु हरिदास, ये याद रखिएगा, हरिदास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है? मंगल, मंगल जो शब्द है किस प्रकार की वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये मैनग्रोव वनस्पति के लिए, यानी सी विल बी राइट आंसर, मैनग्रोव। शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? शारदा एक्ट था क्या? तो इसमें कहा गया था कि जो लड़की होंगी इनके विवाह के लिए 14 वर्ष और जो बॉयज़ होंगे इनके लिए यानी कि लड़कों के लिए 18 वर्ष रखा गया था आयु। और ये जो था 1930 में पारित हुआ था, तो 1930 में कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। साम्राज्यवाद के पूर्व काल में किसे कोलिको के नाम से जाना जाता है? कैलिको कह सकते हैं, सॉरी, कैलिको के नाम से जाना जाता है। पूर्व काल में किसे कैलिको के नाम से जाना जाता था? कपास, कपास को कैलिको के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन बी। देखिए आखिरी क्वेश्चन से, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा हाल ही में की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पॉपुलर था ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा, रतन टाटा ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक तो करना आपका फ़र्ज बनता है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, क्योंकि अब इसके बाद अगर एक भी वीडियो आप मिस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक होगा, तो मिस नहीं करना है। जो भी चीज़ आपको अब दी जाएगी आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।